नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाग पंचमी पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में किए प्रतिभाग। बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत दोपहर बाद लखनऊ के लिए होंगे रवाना। नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ किया रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक कर संसार के लोक कल्याण की कामना। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, सरकार ने खेल व खिलाड़ियों के लिए खोल रखा है खजाना। पीएम मोदी के खेलो इंडिया अभियान से गांव-गांव खेल व खिलाड़ियों को मिला प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित हुए मधुसूदन त्रिपाठी। गोरखपुर दीवानी न्यायालय बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मधुसूदन त्रिपाठी का किया जोरदार स्वागत। कहा, अपने 6 महीने के कार्यकाल में अधिवक्ताओं के लिए करूंगा कुछ ऐतिहासिक कार्य। योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 125 करोड़ की विकास परियोजनाओं के साथ नगर निगम के 25 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के मैजिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। नागपंचमी के अवसर पर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र में दर्शकों को टिकट में 50% की दी गई छूट। लोगों ने सांप घर में पहुंचकर नाग देवता का किया दर्शन। अन्य जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर उठाया लुफ्त। प्रदेश सरकार को टिकट में छूट देने पर दिया धन्यवाद। पूर्वाई कला के संस्थापक डॉक्टर राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि पर लोक मात्र कला उत्सव के साथ दो दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन। ललित कला विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष व परास्नातक के छात्र को स्मृति चिन्ह और अभिनंदन पत्र देकर किया गया सम्मानित। सावन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया गया नाग पंचमी का त्योहार। कहा, नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। चाकू से जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त सिकंदर कुमार को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 8 दिवसीय राष्ट्रीय साहसिक यात्रा के लिए 75 नौजवान बजरंगियों का जत्था हुआ रवाना। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री शगुन श्रीवास्तव ने यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। कहा, प्रति वर्ष आयोजित होने वाली इस यात्रा से रुका हिंदुओं का पलायन। और तपती धूप और उमस के 2 दिनों के बाद बारिश होने से लोगों को मिली राहत। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नदियों की अभी भी स्थिति है सामान्य। 2 दिनों की बारिश होने से कहीं से प्राप्त नहीं हुई है जन धन की हानि की सूचना। अब खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में ही स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी नागपंचमी के अवसर पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिए। वहां पर विजयी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व नगद धनराशि देकर सम्मानित किया। रात्रि व शाम मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। बुधवार को हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाएंगे। लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी मदन मोहन मालवीय में आयोजित मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेले में प्रतिभाग करेंगे। वहां पर वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। वहां के बाद मुख्यमंत्री योगी दोपहर बाद तारामंडल स्थित योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम में भाग लेंगे और वहां पर 125 करोड़ की विकास परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी 10 सिटी बस 25 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया। एक घंटे तक चले अनुष्ठान में उन्होंने आम के रस, दूध, दही, जल, घी, शक्कर, गंगा जल और गन्ने के रस से अभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी ने रुद्राभिषेक कर संसार के लोक कल्याण की कामना की, क्योंकि नागपंचमी पर रुद्राभिषेक करने से राहु और केतु के द्वारा उत्पन्न दोषों और अशुभता से राहत मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने खजाना खोल रखा है। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति दी जा चुकी है, तो साथ ही इन प्रतिस्पर्धाओं के पदक विजेताओं पर लाखों करोड़ों रुपए की धन वर्षा भी की जा रही है। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर मंगलवार को आयोजित परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजयी पहलवानों को पुरस्कृत करने के पूर्व उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया अभियान से गांव-गांव खेल और खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन मिला है, उसका परिणाम है कि आज हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत हर गांव में खेल के मैदान व ओपन जिम विकसित किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर स्टेडियम व मिनी स्टेडियम बने हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 77 स्टेडियम, 68 बहुद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल, 39 तरणताल, 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 14 सिंथेटिक हॉकी मैदान, 36 जिम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 19 डोरमेट्री, 16 बास्केटबॉल स्टेडियम, 11 कुश्ती हॉल, 11 वेटलिफ्टिंग हॉल बनाए जा चुके हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज व 44 क्रीड़ा छात्रावासों के जरिए 16 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का भत्ता 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1994 से स्पोर्ट्स हॉस्टल के खिलाड़ियों के व्यय राशि को रिवाइज नहीं किया गया था। खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो, इसके लिए 1.5 लाख रुपए के मानदेय पर 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बतौर प्रशिक्षक रखने की स्वीकृति दी गई है। खिलाड़ियों के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी करने के साथ ही एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली 2020 को प्रख्यापित करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए 5 लाख तथा मंडल स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए राज्य सरकार 15 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। मेरठ में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का निर्माण त्रिविगति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक खेल योजना के तहत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में दिव्यांग
दिव्यांग खिलाड़ियों को भी हर प्रकार की सुविधा व सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान कर दी है। इसके साथ ही इन पदक विजेताओं को भारी पुरस्कार राशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है। ओलंपिक एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओलंपिक की टीम स्पर्धा में यह राशि क्रमशः 3, 2 व 1 करोड़ होगी। एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कॉमनवेल्थ खेल तथा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़, रजत पदक विजेता को 75 लाख व कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह सैफ खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता को 6 लाख, रजत पदक विजेता को 4 लाख तथा कांस्य पदक विजेता को 2 लाख रुपए मिलेंगे। टीम स्पर्धा में यह धनराशि क्रमशः 2 लाख, 1 लाख और 50,000 रुपए होगी। सीएम योगी ने बताया कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 10 लाख तथा एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न व खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार ने प्रति माह 20,000 रुपए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की है। इसके साथ ही संकट में आए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपए, राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 6,000 तथा राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को प्रति माह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पुरुष वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार तथा महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार देती है। इसके तहत लक्ष्मण जी व रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ खिलाड़ियों को 3.11 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। सीएम योगी ने कहा कि कुश्ती प्राचीन काल से भारतीय शौर्य व पराक्रम के प्रदर्शन का माध्यम रही है। रामायण काल में बजरंगबली से लेकर महाभारत काल में भीम तक के पराक्रम को हम सभी जानते हैं। आधुनिक काल में भी हमारे पहलवानों ने वैश्विक मंच पर देश को नई पहचान दी है। वर्तमान में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भी कुश्ती में बेहतर सफलता मिलती दिख रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि गांव, न्याय पंचायत, ब्लॉक व तहसील स्तर पर भी कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। इससे खेलो इंडिया के अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो आदि की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो सकती हैं। उन्होंने सभी को नागपंचमी पर्व की बधाई देते हुए कहा कि नाग शक्ति के देवता हैं। हम सब के अंदर भी कुंडलिनी की शक्ति होती है। यह पर्व हमें इसी शक्ति के जागरण का स्मरण दिलाता है। नागपंचमी भारतीय परंपरा में जीव जंतुओं के प्रति अनुराग, मैत्री व करुणा का भाव प्रदर्शित करने का भी माध्यम है। कुश्ती प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खेल प्रेम के सभी मुरीद हो गए। सीएम योगी ने गोरखपुर वीर अभिमन्यु, गोरखपुर कुमार व गोरखपुर केसरी खिताब के लिए फाइनल मुकाबले का अवलोकन किया और ताली बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने गोरखपुर केसरी का खिताब जीतने वाले भगत सिंह यादव, गोरखपुर कुमार का पुरस्कार जीतने वाले अनिल यादव, गोरखपुर वीर अभिमन्यु पुरस्कार जीतने वाले जनार्दन यादव को गदा व नगद पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इन तीनों खिताबों के लिए उपविजेताओं को भी मंच पर बुलाकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर विधायक राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर विमलेश पासवान, विपिन सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद, हॉकी यूपी के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही समेत बड़ी संख्या में खेल प्रेमी अधिकारी व गणमान्य जन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह पहलवान एवं गोरखपुर केसरी का खिताब जीतने वाले भगत सिंह यादव और जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा, और अब कृष्ण और चारू और मुस्सी तथा बलराम के मल्लयुद्ध का उल्लेख मिलता है। अर्थात चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, प्रत्येक जगह कुश्ती हमारी सारी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी हुई है, हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई है। और इस हमारी संस्कृति को, भारतीय परंपरा को चार चार लगाते हुए, इसको प्रोत्साहित करते हुए युवाओं को आशीर्वाद भीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी और
और यानी रेलवे के असंतोष के भी तथा जिला केसरी के लिए एक मुकाबला होगा और एक रोचक मुकाबला जो दो दिनों से हम सभी देख रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री धीरेन्द्र सिंह जी संयोजक साई जी और तत्पश्चात श्री धीरज सिंह हरी जी और अति स्वागत के लिए सबसे सर्वाधिक करते हैं। यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र सिंह जी, रमाकांत निषाद जी, अशोक चौहान जी, पुष्पधर जैन जी, रामचंद्र सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, पी के मल जी, वो कभी गोरखपुर पहलवानों का गढ़ हुआ करता था लेकिन बीच में आज जब साल में तो खाया आप सभी उत्साह वर्धन करते रहे, जितना तालियां बजेंगी उतनी अच्छी कुश्ती देखने को मिलेगी आपको। आपकी तालियों से खिलाड़ियों के महाराज जनार्दन कृष्णा नगर ने 4 अंक अपने खाते में अंकित किया, 2 अंक सत्येंद्र ने भी अच्छा मुकाबला किया। दोनों पहलवानों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले मुकाबले के लिए जिला कुमार के लिए श्री आशुतोष को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और रेफरी महोदय से अनुरोध है कि अभिनव निर्णायकों को पंडाल के अंदर तीनों पहलवानों के बीच देखने को मिलेंगे। अनिल छात्रावास रेड कास्ट्यूम और आशुतोष यादव रेलवे स्टेडियम ब्लू कास्ट्यूम। निश्चित रूप से यहाँ पर जो सभी नियम अपनाए गए वो राष्ट्रीय स्तर के ही है। आपका हीरा कुमार का ये फाइनल मुकाबला एक अंक रेड का शुम के पहलवान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ये चलती हुई प्रतियोगिता इनके अंदर ऊर्जा तभी आएगी जब आपकी तालियां बजेंगी और जितनी अच्छी तालियां हीरो कड़ा मुकाबला इतने देरों से चल रहा है। पहले राउंड की समाप्ति, दूसरे राउंड की प्रगति पर स्कोर अभी भी 1-0। बहुत ही कड़ा संघर्ष जितनी सुंदर तरीके से आता है उतनी ही बढ़िया चीज है। ब्लू बचाओ आक्रमण और बचाओ का बेहतर नमूना दोनों पहलवानों द्वारा और ये शानदार कृपी गोरखपुर कुमार के लिए एक अंक के लिए बड़ी बहुत ही शानदार संघर्ष के बाद 3-2 का स्कोर दोनों पहलवानों के बीच। बाहर से करें हम कृपया प्रतियोगिता शुरू कराएं। प्रतियोगिता जिला केसरी के लिए भगत सिंह यादव रेलवे और सौरभ यादव स्पोर्ट्स कॉलेज। जिला केसरी के लिए मुकाबला
स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, कुश्ती प्रतियोगिता के ही बल पर रेल में नौकरी पाए। तकनीकी का संगम के पहलवान भगत का चारण और ब्लू के जीरो दो अंक जीरो बहुत बढ़िया पकड़ बनाए, उतनी ही चपलता से अपने आप को बचाते हुए सौरव स्पोर्ट्स कॉलेज शानदार क्रिकेट भगत और सौरव के बीच एक कड़ा मुकाबला हो चुके हैं। अंतिम मिनट में कुश्ती चलते हुए स्कोर 1-0 अनुभव का अच्छा इस्तेमाल करते हुए भगत सिंह यादव हो गया ना विजुअल लग रहा है और गोरखपुर भी भगत सिंह यादव कृपया मंच पे आ जाए। और अनिल यादव जनार्दन यादव भी मंच के सामने आ जाए। अरे पीछे चलिए पीछे चलिए पीछे चलिए पुरस्कार प्राप्त करते हुए और इसके पश्चात माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री डॉक्टर पिंद्रेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री बिपिन सिंह जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री दिनेश सिंह जी, कबड्डी संघ के अध्यक्ष श्री अवरेश शाही जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, चेशाई गांव के मोहन जी, पंचानंद पुरी जी,
तरह के पहलवानगण, अन्य प्रतिभागीगण और सभी उपस्थित दर्शक के रूप में उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को माँ पंचमी की हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि नाग पंचमी का पर्व भारत की परंपरा में जीव और जंतु के प्रति भारतीय संस्कृति के अनुराग और उनके प्रति हम सब के मैत्री और करुणा के भाव को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। गोरखनाथ मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर स्थानीय स्तर के सभी पहलवान उपस्थित होकर के इस कुश्ती प्रतियोगिता के साथ यहाँ पर सहभागी बनते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर कुश्ती संघ मिलकर के इस कार्यक्रम को अत्यंत रोचक बनाने में अपना योगदान देता है और आज यहाँ पर इस प्रतियोगिता की प्रति में जो यहाँ के दर्शकों की रुचि को देख रहा था वो अत्यंत हम सब जानते हैं कि आज से नहीं बल्कि उसके जैसे आयोजन प्राचीन काल से ही भारत के अंदर पराक्रम को शौर्य को प्रदर्शित करने का एक माध्यम रहे हैं। बजरंग बली से लेकर के और भीमसेन का जिक्र महाभारत के कालखंड में हम सब जानते हैं सुनते हैं। आधुनिक कालखंड में भी अनेक ऐसे पहलवानों ने वैश्विक मंच पर और राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी पहचान के माध्यम से गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को, प्रदेश को और देश को एक नई पहचान दी है। आप देख रहे होंगे इस समय राष्ट्रमंडल के खेल चल रहे हैं और उसमें भी भारत के जो खिलाड़ी हैं रेसलिंग में उनको सर्वाधिक अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस सफलता के पीछे खिलाड़ियों की अपनी रुचि और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से गांव गांव तक खेलकूद की प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने का परिणाम आप हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी रुचि के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, इन कार्यक्रमों में सहभागी बन रहे हैं। कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, कहीं पर राष्ट्रीय स्तर की, कहीं प्रादेशिक स्तर पर, कहीं स्थानीय स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से उसके पीछे अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन का भाव है और गोरखपुर का नाग पंचमी के दिन मंदिर परिसर में इस कुश्ती का आयोजन अपने आप में गोरखपुर के खिलाड़ियों के लिए, खासतौर पर पहलवानों के लिए एक नया मंच उन्हें प्रदान करता है, जिसमें गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु ये तीन उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन यहां पर इस अवसर पर होता है। मुझे प्रसन्नता है गोरखपुर कुश्ती संघ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के इस प्रतियोगिता को अनेक प्रकार से रोचक बनाने में अपना योगदान दे रहा। आप सब जानते हैं कि आप प्रदेश के अंदर खेल के प्रति गांव-गांव में एक रुचि जागृत हो इसके लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। हर गांव में खेल का मैदान हो, हर खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण भी हो, हर जिला मुख्यालय पर स्टेडियम का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम के निर्माण हो, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं।
आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश में अब तक 77 स्टेडियम, 68 बहुत देशीय हार, 39 तरणताल, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 18 छात्रावास भवन, 14 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 2 जूडो हॉल, 36 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 19 डॉर्मेट्री, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल, 16 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल, 11 वेट लिफ्टिंग हॉल, इन सब का निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश में वर्तमान में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर एवं इटावा में संचालित किए जा रहे हैं। 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास का संचालन भी प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रदेश सरकार वर्तमान में संचालित कर रही है। इन छात्रावासों में 16-18 जनपदों में 16 खेलों से संबंधित प्रशिक्षण भी कुशलतापूर्वक उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश के टीम के खिलाड़ियों को जो उपलब्ध कराई जाने वाली खेल किट की राशि को आप 1,000 रुपए से बढ़ा करके 2,500 रुपए करने, आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को 7 मदों के लिए भोजन, शिक्षा, किट, चिकित्सा, फर्नीचर, उपकरण, प्रतियोगिता पर होने वाले व्यय में बढ़ोतरी के लिए, जिसका 1994 से कभी भी जिसको रिवाइज नहीं किया गया था, आज हमने इसमें बढ़ोतरी करके आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में जो डाइट मनी है इसे 250 से बढ़ा करके 375 रुपए प्रतिदिन प्रदेश सरकार ने किया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश के सीनियर जूनियर सब जूनियर टीमों की भांति ही मिनी कैडेट यूथ वर्ग के प्रदेशीय टीमों को भी शिक्षण शिविर किट और रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए भी 50 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1,50,000 रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु आबद्ध करने की स्वीकृति सरकार ने प्रदेश के अंदर दी है। प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों, समितियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान की राशि में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और संवर्धन हेतु एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को फेलोशिप, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु भी अनुदान और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था इस एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से प्रदेश सरकार ने की है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर खेल के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश खेल विकास और प्रोत्साहन नियमावली 2020 प्रदेश सरकार ने प्रख्यापित की है, जिसमें प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने तहसील, जिला और मंडल स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन की एक व्यवस्था दी है और वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस कार्य के लिए 8,55,00,000 रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है। तहसील स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 60,000 रुपए, जिला स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 5,00,000 रुपए, मंडल स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 15,00,000 रुपए की व्यवस्था का आवंटन भी राज्य सरकार ने वर्तमान में किया है। पहली बार राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की भी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए भी समस्त शासकीय सुविधा वर्तमान में हम लोग प्रदान कर रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय
मेरठ में बनाने का निर्णय लिया और उस पर कार्य भी हमारा प्रारंभ हो गया है। अंतरराष्ट्रीय खेलों ओलंपिक गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की नियमावली भी हम लोगों ने प्रदेश में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप और सेफ गेम्स में भी उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है। स्वर्ण पदक ओलंपिक में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए एकल वर्ग में प्रदेश सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। ओलंपिक गेम्स टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी हम लोग वर्तमान में दे रहे हैं। स्वर्ण पदक पर 3 एशियन गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए पुरस्कार की राशि भी हम लोग वर्तमान में उपलब्ध करा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख की व्यवस्था भी राज्य सरकार दे रही है। और विश्व कप प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए का पुरस्कार, सेफ गेम में गेम्स में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 लाख, रजत पदक पर 4 लाख, कांस्य पदक पर 2 लाख रुपए और टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पदक पर 1 लाख और कांस्य पदक पर 50,000 रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने वर्तमान में प्रदेश के सभी उदयमान खिलाड़ियों को हम लोग वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं। ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभा किए जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 लाख रुपए का कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में प्रतिभा करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है और उसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार एशिया कप, एशियन सीनियर चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक गेम्स, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, जूनियर विश्व कप, जूनियर विश्व कप, एशियन चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर जूनियर, जूनियर सब जूनियर, मिनी यूथ और कैडेट पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु भी नगद पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था राज्य के अंदर वर्तमान में है। सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण जी की या रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ ही प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 3,11,000 रुपए की नगद धनराशि भी प्रदान करने की व्यवस्था है। सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रतिमा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत दीर्घ अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रतिमा वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली ये सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ हमारे सभी उदयमान खिलाड़ी भी अपने निरंतर प्रयास और परिश्रम से प्राप्त करेंगे। आज यहाँ पर गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु इन 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन करके गोरखपुर कुश्ती संघ ने सफलतापूर्वक इस आयोजन को नाग पंचमी के अवसर पर किया। नाग पंचमी का मतलब नाग शक्ति का देवता माना जाता है और प्रत्येक
मनुष्य के अंदर भी एक कुंडलनी शक्ति होती है जिसको अंग्रेजी में सरपेंट पावर भी कहते हैं। और कुंडलनी शक्ति, और मुझे लगता है हमारे खिलाड़ी जब यहाँ पर मेहमान आकर के यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और खेल के नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार के आयोजन में सहभागी बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह न केवल खेल के प्रति उनके अनुराग को बल्कि अपने पर्व और त्योहारों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भी उनके भाव को प्रदर्शित करने का एक उचित मंच प्राप्त होता है। मैं यहाँ पर गोरखपुर कुमार, गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु के लिए चयनित तीनों अपने खिलाड़ियों को जिन्होंने आज सफलतापूर्वक अपने अपने मैच में सफलता प्राप्त की, मुझे बताया गया कि यहाँ पे 90 जोड़े कुश्ती के आयोजन हुए थे और 90 जोड़े में तीन उत्कृष्ट खिलाड़ी और उनके रनरअप भी तीन यहाँ पर शामिल हुए हैं। उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि गोरखपुर कुश्ती संघ आने वाले समय में नाग पंचमी के इस आयोजन के पहले प्रयास करें कि 15 दिन या एक महीने पहले गांव गांव में कुश्ती का आयोजन पहले हो, फिर वहां न्याय पंचायत स्तर पर हो, फिर न्याय पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर से फिर उसे हम लोग तहसील स्तर पर या विधानसभा स्तर पर करें और विधानसभा स्तर के बाद जो उत्कृष्ट जोड़े निकले उनकी प्रतियोगिता का आयोजन फिर नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ पर हो और अच्छी एक सम्मानजनक धनराशि के पुरस्कार के साथ अगर एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो गांव गांव में खेलो इंडिया खेलों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और अच्छी मदद मिलेगी। और मैं चाहूंगा ऐसे ही कबड्डी की प्रतियोगिता के लिए वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो या फिर क्रिकेट की प्रतियोगिता हो, अन्य जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, इन सबको हमें इसी प्रकार से प्रोत्साहित करके एक मंच देना चाहिए। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में जो भी महानुभाव और जो भी हमारे पुरातन खिलाड़ी उपस्थित हुए हैं उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, विजेताओं को हृदय से बधाई देता हूँ। जो लोग अपने फाइनल मैच में कहीं विजेता नहीं बन पाए लेकिन अच्छा प्रदर्शन करके उन्होंने यहाँ पे अपने प्रदर्शन से लोगों को आश्चर्यचकित किया है, उनके प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए वे आगामी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सके इसके लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको एक बार फिर से मैं इस मंच में हृदय से बधाई देता हूँ। और बधाई देने के साथ ही मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में है और एनएलसी के लिए आप उनका भी चयन प्रदेश के अंदर हुआ है, इसके लिए उन्हें भी हृदय से बधाई देते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। लोग बाग पहले पूरे साल भर तैयारी करते थे और नागपंचमी के दिन कुश्ती लड़ते थे और आज से पहलवानों का दिन शुरू होता है। आज से देहातों में दंगल प्रतियोगिता ये सब शुरू होते हैं, कंपटीशन शुरू होते हैं। तो नागपंचमी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जो आयोजित होता है तो यहाँ गोरखपुर के पहलवान यहाँ त्यौहार मनाने आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं और यहाँ से फिर ये जाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करते हैं। और आज महाराज जी की उपस्थिति, महाराज जी तो पहले भी यहाँ पर उपस्थित रहते थे लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित रहे तो इससे पहलवानों का और हौसला बढ़ा है और जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उससे खेल का बहुत ही विकास होगा, कुश्ती का विकास होगा। निश्चित ही उनकी दूरगामी सोच है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि गांव से शुरू हो, न्याय पंचायत और ब्लॉक और तहसील से छन के पहलवान गोरखपुर तक आएं, तो इसमें तो पहलवान इतने अच्छे अच्छे आएंगे कि पहलवानों को तैयारी करने का और सारी सुविधा, बहुत पहलवानों का और सभी खेल का भविष्य उज्ज्वल है। पहले कुश्ती मिट्टी में होती थी, अब कुश्ती गद्दे पर हो गई है, तो मिट्टी की कुश्ती हमारी भारत की परंपरा थी, भगवान कृष्ण से लेकर के और जरासंध, भीम सबके समय में ये कुश्ती थी। गद्दा, अब ये टेक्निक बदलती जा रही है युग और समय के अनुसार, अब कुश्ती फास्ट हो गई है। कुश्ती का बहुत विकास हुआ है, खेल का विकास हुआ है और विकास दिन प्रतिदिन होगा। हम लोगों को खिलाड़ियों को विश्वास है कि उनकी हमेशा ही सकारात्मक खिलाड़ियों के प्रति रुचि रही है, सोच रही है और वो निश्चित ही खेल को बढ़ावा मिल रहा है इस समय। भगत सिंह यादव, अभी आज कितने खिलाड़ी का कुश्ती लड़ा था फाइनल में? फाइनल पहुँचने 5 खिलाड़ी तो चलेंगे ना, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आज? अच्छा लगा, अच्छा लगा, कहना चाहेंगे
नहीं कुछ नहीं। किस तरफ से आप चल रहे थे? रेलवे की तरफ। इसमें इस प्रतियोगिता में 90 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और 90 खिलाड़ियों के बीच ये गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और गोरखपुर वीर अभिमन्यु प्रतियोगिता पे हुई है, जिसमें हमारे 3 बच्चे गोरखपुर केसरी, गोरखपुर वीर अभिमन्यु और गोरखपुर कुमार हुए हैं। लेकिन इस प्रतियोगिता में करीब 8 बच्चे ऐसे थे जो नेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बल्कि नेशनल में मेडलिस्ट थे। कोई अंडर 17, कोई अंडर 15, कोई अंडर 23, कोई मिट्टी के अखाड़े का, लेकिन नेशनल में मेडलिस्ट थे ये। गोरखपुर वीर अभिमन्यु के लिए 50 से 60 किलो वजन के बीच जो प्रतिभागी थे उनका था और 60 से 70 किलो के बीच में जो थे उनका गोरखपुर कुमार था और जो 70 किलो से ऊपर के थे उनका गोरखपुर केसरी के लिए चुना गया। ये एक्चुअली गोरखनाथ मंदिर में बहुत ही प्राचीन काल से नागपंचमी के दिन कुश्ती और तैराकी हुआ करता था। महाराज जी ने करीब 20 वर्ष पहले हमको ये दायित्व दिया उन्होंने कि यहाँ पे आप कुश्ती का देख रेख कराइए, तो हमने उसको दंगल के स्वरूप को बदल कर चैम्पियनशिप करवाया, हमने कंपटीशन करवाया और कंपटीशन का फल आज आप देख रहे हैं कि इसमें जो बच्चे प्रतिभाग किए हैं उसमें करीब हमारे 8-10 बच्चे ऐसे थे जो नेशनल लेवल के प्लेयर थे। इतनी बड़ी प्रतियोगिता में जो विजेता होता है उसके लिए बहुत बधाई, लेकिन जो हारता है और जो उपविजेता होता है उसके लिए भी बधाई, क्योंकि वो इतनी बड़ी प्रतियोगिता में शिरकत करके उसने मान बढ़ाया और गद्दे पर वो कुश्ती लड़ा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर मधुसूदन त्रिपाठी को चुनने पर मंगलवार को गोरखपुर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के सभागार में मधुसूदन त्रिपाठी को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष का चुनाव पहली बार लड़ा और पहली ही बार में जीत हासिल किया। आज तक पहली बार में कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया, लेकिन मैं पहली बार में अध्यक्ष चुना गया, यह मेरे लिए गौरव की बात है। इसका स्नेह गोरखपुर के वकीलों को जाता है जो गोरखपुर से उठाकर हमको लखनऊ भेजने का कार्य किया और आज मुझे हर्ष हो रहा है कि गोरखपुर के लोगों ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को मेडिकल के लिए 25,000 मिलता है, लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास होगा कि अधिवक्ताओं को बीमार पड़ने पर निःशुल्क इलाज कराया जाए और 5 वर्ष से कम प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये हर महीने दिलाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन अधिवक्ताओं की उम्र 50 वर्ष के ऊपर है उनको 5,000 से लेकर 10,000 तक पेंशन दिलाने का प्रयास करूंगा और अधिवक्ताओं के मृत्यु पर 5,00,000 कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल 6 महीने का है, लेकिन इन 6 महीनों में अधिवक्ताओं के लिए कुछ करूंगा, ऐसा काम करके जाऊंगा कि अधिवक्ता याद रखेंगे। इस अवसर पर जिला जज तेज प्रताप तिवारी सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा, अरे सब पर भारी तिवारी
आए माननीय मुख्यमंत्री कैसा इस कचहरी में 1980 में एक अधिवक्ता के रूप में और कचहरी में आने से पहले आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से ला किए, वहां भी आप ला फैकल्टी ये गलत बात आपका सम्मान कर रहे हैं। जाने देंगे हम लोग। इकतीस जुलाई को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव हुआ, जिसमें 5 कैंडिडेट लड़ रहे थे, माननीय अमरेंद्र जी, माननीय इमरान महमूद खान, माननीय बलवंत जी, मैं मधुसूदन त्रिपाठी और पांचूराम मौर्या। इसमें बाद में 3 आदमियों ने, 2 आदमियों ने अपने पर्चा विड्रॉल कर लिया, अमरिंदर नाथ सिंह और महमूद इमरान खान। 3 आदमी उसमें चुनाव लड़ रहे थे, मैं मधुसूदन त्रिपाठी, पांचूराम मौर्या और बलवंत सिंह। वहाँ आप जानते हैं कि राजनीति होती है और पॉलिटिक्स बुरी तरह से इन्वॉल्व रहती है, स्टेट की पॉलिटिक्स में बहुत जिसका वजन रहता है वही वहाँ चुनाव जीतता है, लेकिन मेरा स्टेट की पॉलिटिक्स में कोई वजन नहीं है। चुनाव जीते जाने पर वहाँ 2 भागों में बट गया, पूर्वांचल के लोग अलग हो गए, पश्चिम के लोग अलग हो गए, और वोट पड़ा जिसमें 13 वोट हमको मिला और 13 वोट पांचूराम मौर्या को मिला, पांचूराम मौर्या को मिला। तो हम लोगों का दोनों का वोट जो है वो बराबर बराबर का हुआ। पहले हमको कार्यकाल साल भर के लिए मिला और उसमें 6 महीना उनको मिला, 6 महीना हमको मिला, और हमारे जो उपाध्यक्ष थे वो जयनारायण पांडे जी जीते, और इस तरह से हमारे वहाँ शांतिपूर्वक चुनाव हो गया। लेकिन यह चुनाव एक चीज़ के लिए बहुत ऐतिहासिक है कि मैं पहली बार काउंसिल का सदस्य के लिए लड़ा था, उसके पहले मैं यहाँ प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ता था और पहली बार लड़ा और पहली बार में जीत गया, और आज तक का रिकॉर्ड है कि पहली बार में कोई अध्यक्ष नहीं वहाँ चुना गया है, लेकिन मैं तीसरे ही साल अध्यक्ष चुन लिया गया। ये मेरे लिए गौरवान्वित की बात है, ये गोरखपुर के वकीलों की बात है, और गोरखपुर के वकीलों ने मुझको उठा करके वहाँ तक भिजवाया है, मैं इनका सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये गोरखपुर के लोगों ने मुझको ये सम्मान दिया था और वो सम्मान मैं आज सजो रहा हूँ। आप देख रहे हैं जब से मैं इस प्रांगण में आया 1982 से, तब से मैं इस वकीलों के लिए लड़ाई लड़ा। 83 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हुआ, उसके बाद मैं लगातार 3 बार यहाँ प्रेसिडेंट चुना गया। ये पूरी कचहरी सारे लोग जानते हैं कि यहाँ मड़ई थी, सारे लोग मड़ई में बैठते थे। जब मैं प्रेसिडेंट चुना गया तो मैं सब जगह से पैसा ले आया, बार का पैसा उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, सब जगह से पैसा ले आया, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, सब लोगों ने पैसा दिया। और आज देख रहे हैं कि सारी कचहरी में सारे टीन सेट पड़े हुए हैं, हमारे अधिवक्ता उसमें बैठे थे, नहीं तो ये मड़ई चूती थी बरसात में, अधिवक्ता के ऊपर कहीं गिर जाती थी, कहीं दब जाते थे, रोजाना हमेशा ये घटना होती थी, लेकिन मैंने इसको किया। आपने ये भी देखा इस बार एसोसिएशन में जहाँ आप हाल में खड़े हुए हैं, ये इसका पत्थर लगाना, टाइल्स लगवाना, इसका एक्सटेंशन करवाना और जितने भी काम हमारे द्वारा किया गया वो सारे लोग जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बार काउंसिल में पहुँचने के बाद पहले सारे लोग जानते हैं कि 10,000 रुपये मेडिकल मिलता था, लेकिन हम 7-8 आदमियों की ये गोल बनी थी जिन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, तो अब 25,000 रुपये मिलता है। हमारे वहाँ हम जानते 300-400 लोगों को मैं पैसा दिलवा चुका हूँ। तो अब जो है दूसरा, मैं ये प्रयास करूँगा कि हमारे वहाँ वकील जो बीमार पड़ता है उसको फ्री में मेडिकल एड दिया जाए। इसके लिए लड़ाई में कले जा कर के वहाँ बार काउंसिल में कह दिया हूँ कि मेडिकल एड सारी लड़कों को मिले। और दूसरा, जो अधिवक्ता 5 वर्ष से कम के थे उनके लिए 5,000 रुपये का इंतजाम, जब हम लोग 18 में चुन के गए थे तभी से लड़ाई चल रही थी, वो मंजूर हो गया, संभवतः सारे लोग फार्म भी भर रहे हैं और वो पैसा आना है। दूसरा एक बड़ा काम ये हुआ है कि 50 वर्ष तक जिनकी आयु पूरी हो गई है उनको हम लोगों ने पास करने वाले हैं, कुछ मीटिंग में पास भी हो गया है कि उनको 5,000 से लेकर 10,000 पेंशन दिया जाएगा। और तीसरा, जो हम लोगों को 1.5 लाख रुपया मिलता था पहले, तो मरने पर 50,000 रुपया मिलता था,
फिर 1.5 लाख हुआ। जब 18 में हम लोग चुन करके गए तो अब 5 लाख का स्कीम आ गई कि किसी के मरने में 5 लाख रुपया दिया जाता है। और जो स्कीम 1.5 लाख की चलती थी, जो 30 वर्ष पूरा होने पर मिलता था, जो अधिवक्ता अकाउंट से जमा किए थे, उस स्कीम को हम लोगों ने 5 लाख रुपया कर दिया। अभी इस बार 6 महीने का मेरा टर्म है, लेकिन मैं अधिवक्ताओं के लिए कुछ करूँगा, ये करके जाऊँगा कि कुछ अधिवक्ता याद रखें कि मधुसूदन त्रिपाठी प्रेसिडेंट हुए थे। वृहद रोजगार मेले में युवाओं का उत्साहवर्धन करने के बाद सीएम योगी दोपहर 12 बजे नगर निगम की 122.29 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री महानगर के लिए 2 ई-टूरिस्ट बस, 10 इलेक्ट्रिक बस, 25 कूड़ा कलेक्शन वाहन और 2 जेटिंग कम सक्शन मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कूड़ा कलेक्शन वाहनों के चालकों को रोजगार प्रमाण पत्र सौंपने के साथ ही सीएम केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी करेंगे। साथ ही साथ 25 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन मैजिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि डोर टू डोर कूड़ा का उठाने का नगर निगम बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तथा नगर निगम का प्रयास है कि हर घर से कूड़ा को उठा लिया जाए तथा अपने कार्यों में उसका यूज किया जाए, जिससे कूड़ा सड़क पर नहीं आएगा। अभी तक नगर निगम के पास कूड़ा उठाने के लिए 25 गाड़ियां थी, लेकिन शासन का निर्देश मिलने के बाद नगर निगम को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 25 गाड़ियां और दी जा रही हैं। इस गाड़ियों में अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है, जिसमें नागरिक गीला कचरा व सूखा कचरा अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल सकते हैं। इसके साथ ही 2 बड़ी वाली जेटिंग मशीन भी नगर निगम को मिल जाएगी। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 125 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। नागपंचमी के अवसर पर शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र में दर्शकों के लिए टिकट में 50% की छूट दी गई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वन मंत्री ने नागपंचमी के अवसर पर प्राणी उद्यान में दर्शकों के लिए 50% छूट देने का निर्देश दिया था, जिसका प्राणी उद्यान केंद्र ने पालन किया। नागपंचमी के अवसर पर 50% छूट मिलने के बाद भारी संख्या में दर्शक प्राणी उद्यान केंद्र पहुंचे और वहां पर बनाए गए सांप घर में नाग देवता का दर्शन किया। लोगों ने प्राणी उद्यान केंद्र में जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर शेर, चीता, सारस, हिरण, मगरमच्छ, भालू, बंदर सहित अन्य जानवरों को देखा और खूब मस्ती की। वहीं नागपंचमी पर छूट मिलने पर दर्शकों ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह प्राणी उद्यान घूमने आए दर्शकों ने कहा। Thank you.
अरे ओ बाव तो बाव ते पड़े आई देखो चलो ठीक है कोनो बात हमार का लगा तो फेर आई है वहाँ पे रख के वहाँ मछली रखा सब खाया था सब मछली नंद किशोर सिंह पंचमी में 50% ऑफर चल रहा है चिड़ियाघर में जी घूमा कैसा लगा आपको अच्छा लगा क्या क्या आपने देखा यहाँ पे मतलब सभी जानवर जो जो भी यहाँ पे हैं पूरा हमने देखा बच्चे भी साथ में हाँ जी कैसा लगा आपको क्या क्या देखा बस हिरन था गेंडा वंडा था लायन था टाइगर था मतलब जीव जंतु थे उन देखे हम लोग आज ऑफर भी चल रहा है क्या क्या कैसी योजना है सरकार की ठीक है अच्छी योजना है 50% डिस्काउंट है चंद्र प्रकाश आज 50% ऑफर चल रहा है हाँ, नागपंचमी का हाँ, कैसा लगा आपको अच्छा लगा क्या क्या देखा आपने चिड़ियाघर सभी जानवर देखा क्या क्या देखे अब क्या क्या बताएंगे सभी जानवर बहुत हैं इसमें कैसा बना चिड़ियाघर अच्छा है कौन कौन से जानवर देखे हैं हिरना बाघ चीता बाघ खरगोश खरगोश मछली और शेर शेर चीता मगरमच्छ मगरमच्छ भी कैसा लगा अच्छा लगा पहली बार आएगी पहली बार जिद्दी आता क्या घर घूमे क्या क्या देखे हो शेर चीता और लायन और मछली खरगोश और स्नेक कैसा लगा यहाँ पे अच्छा लगा पहली बार है कि दूसरी बार पहली बार फिर आओगे दोबारा देखने हाँ जे क्या क्या देखे हो मछली खरगोश चीता बंदर मगरमच्छ कैसा लगा यहाँ पे अच्छा फिर दोबारा आना देखने गौरव
में 50% ऑफर चला है, क्या लाभ मिला आपको? हाँ, काउंटर से हमें लाभ मिला है। कैसी योजना है सरकार की? अच्छी योजना है, इसको और बड़े रूप से आगे इसका कार्यान्वयन करना चाहिए और आने वाले त्योहारी सीजन में और बढ़ चढ़ के इससे लोग आएंगे और इसको देख के यहाँ का भी जो रख रखाव है वो भी अच्छे से होगा और सबको इसका लाभ मिलेगा। क्या क्या देखे हैं आप यहाँ पे? सबसे पहले हिरन है, बंदर है, पक्षी तोता है और फिर उसके बाद शेर है, हमारे वन का जो राजा कहते हैं, और फिर उसके बाद ये हिरन है आपके सामने। कैसा लगा यहाँ पे? मौसम भी अच्छा है और लोग भी हैं तो अच्छी लग रहा है सब कुछ। दुर्गेश द्विवेदी। 50% ऑफर चल रहा है यहाँ पे, क्या लाभ मिला आपको? हाँ, लाभ मिला है, 50 का बता रहे थे टिकट है, 25 में दिए। क्या क्या आप लोगों ने देखा यहाँ पे? देखे क्या, अभी तो एक दो बाड़े बस अच्छे बने हैं, बाकी तो सब में चिड़िया ही अभी भरी हुई हैं, छोटे छोटे जीव जिस तरीके से जिस जगह पे है उस हिसाब से अभी जानवर है नहीं कि देखा जाए। अभी क्या क्या यहाँ पे कई जानवर अभी भी हैं? जैसे बाघ है, अभी बड़े जानवरों में बस एक बाघ मिला है देखने को, बाकी तो अभी आगे के एरिया बाकी है, देखते हैं क्या क्या है। मैं डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, प्राणी उद्यान गोरखपुर। सर, आज नागपंचमी के अवसर पर जू में क्या सुविधाएं, कुछ छूट भी दी जा रही है बताया जा रहा है? हाँ, हमारे उच्चाधिकारियों और माननीय मंत्री जी लोगों का निर्देश जो था कि नागपंचमी के दिन नाग देवता के दर्शन करने हेतु जो भी दर्शक आएंगे उनको जो हमारा एंट्री फीस है, जो प्रवेश शुल्क है, उसमें रियायत किया जाएगा और 50% डिस्काउंट रेट से सभी को टिकट दिया जाएगा। तो उस निर्देश के क्रम में निदेशक महोदय के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम सभी दर्शकों को जो भी प्राणी उद्यान घूमने आ रहे हैं आज के दिन, उनको जो हमारा टिकट दर है बड़े लोगों के लिए 50 रुपया, उसको 25 रुपये के दर से, और जो छोटे बच्चों का है 25 रुपया, उसको 12.5 रुपये के दर से दिया जा रहा है। और सभी जो बहुत सारे दर्शक आज आ भी चुके हैं प्राणी उद्यान में और घूम भी रहे हैं। सर, लगभग यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं जो लोगों को लुभा रहे हैं? नहीं, अभी तो आज के लिए तो स्पेशल था हमारा सांप घर। सांप घर में बहुत सारे सांपों की प्रजातियां रखी गई हैं। उसके अतिरिक्त प्राणी उद्यान में घूमने के लिए तो 6 हिरनों के बाड़े हैं जिसमें हिरन हैं, जिसमें अलग अलग प्रजाति के हिरन रखे गए हैं। लेपर्ड है, टाइगर है, लायन है, स्लॉथ बियर है, सबसे अट्रैक्टिव जानवर जो गैंडा है वो भी है एक यहाँ पे, मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, और ऐसे ही पंछियों का बहुत 3 बाड़ा पंछियों का है जिसमें अनेकों प्रकार के पंछियों को रखा गया है। ये हमारे यहाँ है जो दर्शक घूम सकते हैं। अब वक्त है चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नागपंचमी पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में किए प्रतिभाग। बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत दोपहर बाद लखनऊ के लिए होंगे रवाना। नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ किया रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक कर संसार के लोक कल्याण की कामना। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, सरकार ने खेल व खिलाड़ियों के लिए खोल रखा है खजाना। पीएम मोदी के खेलो इंडिया अभियान से गांव-गांव खेल व खिलाड़ियों को मिला प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित हुए मधुसूदन त्रिपाठी। गोरखपुर दीवानी न्यायालय बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मधुसूदन त्रिपाठी का किया जोरदार स्वागत। कहा, अपने 6 महीने के कार्यकाल में अधिवक्ताओं के लिए करूंगा कुछ ऐतिहासिक कार्य। योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 125 करोड़ की विकास परियोजनाओं के साथ नगर निगम के 25 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के मैजिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। नागपंचमी के अवसर पर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र में दर्शकों को टिकट में 50% की दी गई छूट। लोगों ने सांप घर में पहुंचकर नाग देवता का किया दर्शन। अन्य जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर उठाया लुफ्त। प्रदेश सरकार को टिकट में छूट देने पर दिया धन्यवाद। पूर्व
बाई कला के संस्थापक डॉक्टर राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि पर लोक मात्र कला उत्सव के साथ दो दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन। ललित कला विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष व परास्नातक के छात्र को स्मृति चिन्ह और अभिनंदन पत्र देकर किया गया सम्मानित। सावन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया गया नाग पंचमी का त्योहार। कहा, नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। चाकू से जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त सिकंदर कुमार को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 8 दिवसीय राष्ट्रीय साहसिक यात्रा के लिए 75 नौजवान बजरंगियों का जत्था हुआ रवाना। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री शगुन श्रीवास्तव ने यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। कहा, प्रति वर्ष आयोजित होने वाली इस यात्रा से रुका हिंदुओं का पलायन। और तपती धूप और उमस के दो दिनों के बाद बारिश होने से लोगों को मिली राहत। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नदियों की अभी भी स्थिति है सामान्य, दो दिनों की बारिश होने से कहीं से प्राप्त नहीं हुई है जन धन की हानि की सूचना। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
चंद्रकांती रमावती कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में पुरवाई कला गोरखपुर द्वारा आयोजित दो दिवसीय मात्र कला उत्सव मंगलवार को समापन हुआ, जिसमें पुरवाई कला के संस्थापक डॉ. राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी रही, जिसमें बरेली राजकीय डिग्री कॉलेज के ललित कला विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुनील सक्सेना तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के पर स्नातक के छात्र धर्म राज राणा को स्मृति चिन्ह व अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में पुरवाई कला की सचिव ममता केतन ने बताया कि पुरवाई कला की तरफ से दो दिवसीय कार्यक्रम किया गया तथा डॉक्टर राजीव केतन की पुण्यतिथि पर लोक कला उत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। सोमवार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जो लोक चित्र पर आधारित थी, जिसमें लगभग 44 महिलाओं ने भाग लिया तथा मंगलवार को वरिष्ठ कलाकार बरेली राजकीय डिग्री कॉलेज के ललित कला विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुनील सक्सेना एवं कनिष्ठ कलाकार गोरखपुर विश्वविद्यालय के परम स्नातक के छात्र धर्मराज राणा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर राम शब्द सिंह, विशाल प्रगति श्रीवास्तव, कवि राजेश राज, अंकिता सीमा श्रीवास्तव, विनीता सुनीता संगीता शबनम अनुपम योगेंद्र चौधरी सुनील केसरी नंदन सहित आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुरवाई कला की सचिव ममता केतन ने कहा, मैं मंच से अतिथियों का संक्षिप्त परिचय कराकर उनका प्रस्तुति समर्च और मान्यता है। स्वागत है आपका। मैं कभी मर नहीं सकते ना हम उसे दूर करा सकते। अब हमारा ये काम है कि हम सभी उस पुरवाई कला जो संगठन था मातृ कला समिति जो उन्होंने एक विचार नहीं दिलवाए थे, लगातार चर्चा करते रहते थे कि भैया किस तरह जो भी पूर्वांचल की विशेषता है, चाहे वो संगीत हो, गीत हो, चित्रकला हो या जो भी आप कह रहे हो, आज हम देख रहे हैं प्रमंडल प्रदर्शनी हमारे सामने है, इन सबको कैसे जीवित रखा। और क्या बात उस व्यक्ति के मन में इसलिए थी कि वह एक बेहतर इंसान का कलाकार था, वो चाहता था कि ये चीजें जीवित बचे ताकि हमारी नई जनरेशन जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और गूगल इन दो से ज्ञान प्राप्त कर रही है, वह अपने इस पूर्वांचल की कला और पूर्वांचल की संस्कृति को भी जानने समझे। श्रीवास्तव, सचिव पुरवाई कला गोरखपुर जी। ये पुरवाई कला गोरखपुर की तरफ से दो दिवसीय कार्यक्रम था,
राजीव डॉक्टर राजीव केतन जी की स्मृति में आज चूँकि उनकी पुण्य तिथि थी और इसको हम लोगों ने लोक कला उत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। इसी के तहत कल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जो लोक चित्रों पर आधारित थी, मातृकला उत्सव नाम दिया गया था, जिसमें लगभग 44 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था और संगोष्ठी हुई और एक संगीतबद्ध जीवंत चित्रण, एक तरफ गाने चल रहे थे, लोकगीत थे और उन्हीं के साथ जीवंत चित्रण प्रोफेसर राम शक्जीत के द्वारा किया गया। और आज चूँकि इसका समापन है तो हमारे पुरवाई कला की तरफ से प्रत्येक साल दो कलाकारों को सम्मानित किया जाता है, जिसमें एक वरिष्ठ कलाकार होते हैं और एक कनिष्ठ। तो वरिष्ठ कलाकार में प्रोफेसर सुनील सक्सेना जो कि बरेली से आए हैं, बरेली राजकीय कॉलेज के ललित कला विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र एमए थर्ड सेमेस्टर के छात्र धर्मराज राणा हैं, उन्हें कनिष्ठ कलाकार के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है। इन कलाकारों के सम्मान के साथ श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है, उसके पश्चात जो हमारे पार्टिसिपेंट मातृशक्तियाँ हैं उनको सर्टिफिकेट और कैटलॉग दिया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने नागपंचमी के अवसर पर पूजा अर्चना की तथा शिवलिंग पर दूध लावा जल मिठाई फल आदि चढ़ाया, जिसके संबंध में पूजा करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि नागपंचमी के दिन महिलाएं नाग देवता का पूजा करती हैं। नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा शुभ मानी जाती है तथा नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि नागपंचमी के दिन लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए सांपों को दूध चढ़ाती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने परिवार को सांपों या बुरी नजर से होने वाले किसी भी नुकसान से बचाने के लिए प्रार्थना करती हैं। आज के दिन सभी अपने घरों में गोबर से नाग नागिन का जोड़ा बनाकर पूजा करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूजा करने आए श्रद्धालु रिंकी पांडे एवं मीना त्रिपाठी ने कहा, जय जय नागपंचमी। अजी नाग दूध पिएला? नहीं पिला दिए, इसका इतना पिलाए, इतना पिलाए ना, इतना दूध पिलाए। अजी पिया देता, पिलाए। जय इधर पिया था, वो चाट राजीव से खेला कर दिया उसने, ज्यादा नहीं जरूर है ना, डाल के चल राजा भाई ना बोले भंडार। टीवी से हो मेरा नाम तो रिंकी पांडे।
नागपंचमी में हम लोग अपने अपने घरों में गोबर से नाग भगवान का पूजा, नाग और नागिन का जोड़ा बना के हम लोग उनको सिंदूर टीका लगाते हैं। बहुत से घरों में पूड़ी उड़ी भी बन के हलवा पूड़ी भी चढ़ता है, जैसे हमारे घर में भी चढ़ता है, यही करते हैं हम लोग। सावन में नागपंचमी कितना महत्व है? अब नागपंचमी का तो बहुत महत्व होता है, भगवान भोलेनाथ का पूरा सावन ही भगवान भोलेनाथ का दिन है, उनके लिए तो यही बहुत अच्छा दिन है, मतलब हम लोगों के लिए सबके लिए ये बहुत अच्छा, जितना हो सके पूजा उतनी पूजा करनी चाहिए सावन में भगवान भोलेनाथ की। क्या चढ़ाए नागपंचमी में? दूध और लावा। दूध और लावा, दूध और लावा चढ़ाते हैं हम लोग घर में भी चढ़ाते हैं। हाँ, घर में भी चढ़ाते हैं, मंदिर में भी आके चढ़ाते हैं हम लोग, यही सब करते हैं। हाँ, महिमा त्रिपाठी। नागपंचमी सावन में वही पूजा पाठ हम लोग घर में भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं, हर जगह होता है पूजा पाठ। हम जिसमें डुबकी लगाया जाता है, इसका क्या? पहले तो किया जाता था, लेकिन इस समय वो चीज कम हो गया है, गांव में है ये सब। हाँ, गांव में होता है, शहर क्या उसका महत्व है डुबकी लगाने का? नागपंचमी वही त्योहार लोग मनाते हैं, बाहर से लोग बाहर रहते हैं, बाहर से आके मतलब ज्यादा इसका महत्व है। हाँ, इस पूजा का। कैंट थाने की पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को भैरवपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सिकंदर कुमार बासफोर पुत्र रमेश निवासी पेवनापुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त 31 जुलाई को रात्रि करीब 10 बजे अपने ससुराल महादेव झारखंडी पहुंचा, जहां पर पारिवारिक बात को लेकर अपनी पत्नी सुनीता से विवाद करने लगा। जब सुनीता के भाइयों द्वारा विरोध किया गया तो अभियुक्त सिकंदर उपरोक्त द्वारा उसके भाई करण पुत्र स्वर्गीय हरेंद्र प्रसाद महादेव झारखंडी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे करण के सीने व गाल पर जानलेवा गहरी चोट आई और अभियुक्त उन लोगों को जान से मारने की धमकी व गाली गुप्ता देते हुए वहां से फरार हो गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अमित कुमार चौधरी, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल अंकित कुमार शामिल रहे। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए गोरक्ष प्रांत से बजरंगियों का जत्था 2 अगस्त को लोहित एक्सप्रेस से जम्मू तवी के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री सगुण श्रीवास्तव ने यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं का मिठाई खिलाकर स्वागत किया व यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस यात्रा से सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित बाबा बूढ़ा अमरनाथ से हिंदुओं का पलायन रुका है। जत्थे का नेतृत्व कर रहे बजरंग दल गोरक्ष प्रांत के संयोजक पुनिंदु शाही ने बताया कि 8 दिवसीय यह यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ, माता वैष्णो के दरबार सहित अनेक जगहों पर जाने वाली है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गोरक्ष प्रांत के विभिन्न हिस्सों से 75 की संख्या में बजरंग दल के नौजवान यात्रा पर जा रहे हैं और यह यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। इस बार इस यात्रा में बजरंग दल के प्रांत मिलन प्रमुख दुर्गेश राव, हरिनाथ सर्राफ, रंगी लाल कसौधन, उमेश जायसवाल, हनुमत मौर्य, भोला जायसवाल, दीपक, सुधाकर वर्मा, कमलाकांत मिश्रा व राजेंद्र जगदाल इस सहित प्रांत से 75 नौजवान यात्रा के लिए निकले हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री सगुण श्रीवास्तव ने कहा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय देश का बाल, देश का बाल, देश का बाल, बजरंग दल, देश का बाल, बजरंग दल, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। यह यात्रा इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि बूढ़ा बाबा अमरनाथ में एक संप्रदाय विशेष ने कब्जा करने की कोशिश की थी, वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा था, जिसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के का आयोजन करना शुरू किया और परिणाम स्वरूप हर वर्ष हजारों की संख्या में
हमारे देश से बजरंग दल के कार्यकर्ता बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। इसका परिणाम ये निकला कि वहाँ पर वर्ग विशेष का प्रभाव कम हुआ, हिंदुओं का पलायन रुका और हिंदू वहाँ पे ससम्मान सुरक्षित और व्यवस्थित है। इसी क्रम में आज गोरखपुर से बजरंग दल के 75 कार्यकर्ताओं ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा बूढ़ा अमरनाथ के लिए यात्रा प्रारंभ की है। मैं उन सबको यात्रा की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। तपती धूप और उमस के बाद दो दिनों से बारिश होने पर लोगों को राहत मिली है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दो दिनों से वर्षा हो रही है जो 128 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछले वर्ष अगस्त माह में 19 मिलीमीटर की वर्षा हुई थी, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार जुलाई में बारिश कम हुई है। उन्होंने कहा कि अगस्त में पर्याप्त बारिश होने की संभावना है। दो दिन बारिश होने से कहीं पर जलहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नदियां अभी सामान्य स्थिति में हैं, नदियां अभी खतरे के निशान के नीचे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग अभी लो लैंड एरिया में बसे हुए हैं या नदी के धारा के बीच बसे हैं, वे लोग वहां से हटने के लिए अपनी तैयारियां कर लें ताकि नदी का जलस्तर बढ़ने पर किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय वर्षा हो रही है और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आप देख रहे हैं कि पिछले दो दिनों में हमारे जनपद में लगभग 128 मिलीमीटर की वर्षा हो चुकी है, जबकि पिछले वर्षों में इसी समय में लगभग 19 मिलीमीटर की वर्षा हुई थी। इसी प्रकार जुलाई में इस वर्ष वर्षा कम हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगस्त में हम लोगों को पर्याप्त वर्षा हो जाएगी और हमारी जो फसलें हैं उनको पर्याप्त पानी मिलेगा। कोई जनहानि की सूचना नहीं है और वर्षा काल में केवल मेरा ये अनुरोध है, जिस समय वर्षा आने वाली हो या वर्षा हो रही हो, कृपा करके किसी पक्के स्ट्रक्चर के नीचे ही खड़े हों, इसलिए कि ये जो विद्युत है जिसको वज्रपात कहते हैं उसकी वजह से कई घटनाएं हो जा रही हैं, जिससे लोगों को क्षति हो रही, असामयिक उनके मृत्यु हो जा रही है। जब भी वर्षा हो आप घरों से ना निकलें, कहीं ना कहीं रुक जाएं या कहीं ना कहीं आप बंद स्थान पर रहें, पेड़ के नीचे तो आप एकदम ना खड़े हों, नहीं तो कोई भी ऐसी घटना होगी तो आप उससे ग्रसित हो जाएंगे। नदियों की क्या स्थिति? नदियाँ अभी सामान्य हैं, पानी की वर्षा हो रही आप देख रहे हैं। हमारे यहाँ नदियाँ जो पीछे पानी बरसता है उसकी वजह से नदियों में पानी बढ़ता है, तो अभी कोई भी नदी हमारे खतरे के आसपास नहीं है। परंतु मेरा आम लोगों से यह अनुरोध है कि जो लोग अभी लो लाइंग एरिया में बसे हुए हैं, निचली ज़मीन पर बसे हैं या बंधे और नदी की धारा के बीच बसे हुए हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी कर लें। यदि नदी और नदी की धारा और बंधे के बीच में बसे हैं तो निचुरली जब पानी बढ़ेगा तो आपको अपना स्थान शिफ्ट करना होगा और उसके लिए आप अपनी तैयारी अभी से कर लें। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नागपंचमी पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में किए प्रतिभाग, बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत दोपहर बाद लखनऊ के लिए होंगे रवाना। नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ किया रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक का संसार के लोक कल्याण की कामना। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, सरकार ने खेल व खिलाड़ियों के लिए खोल रखा है खजाना। पीएम मोदी के खेलो इंडिया अभियान से गांव-गांव खेल व खिलाड़ियों को मिला प्रोत्साहन।
प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित हुए मधुसूदन त्रिपाठी गोरखपुर दीवानी न्यायालय बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मधुसूदन त्रिपाठी का किया जोरदार स्वागत। कहा, अपने 6 महीने के कार्यकाल में अधिवक्ताओं के लिए करूंगा कुछ ऐतिहासिक कार्य। योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 125 करोड़ की विकास परियोजनाओं के साथ नगर निगम के 25 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के मैजिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। नागपंचमी के अवसर पर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र में दर्शकों को टिकट में 50% की दी गई छूट। लोगों ने साफ घर में पहुंचकर नाग देवता का किया दर्शन। अन्य जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर उठाया लुफ्त। प्रदेश सरकार को टिकट में छूट देने पर दिया धन्यवाद। पुरवाई कला के संस्थापक डॉक्टर राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि पर लोक मात्र कला उत्सव के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन। ललित कला विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष व परा स्नातक के छात्र को स्मृति चिन्ह और अभिनंदन पत्र देकर किया गया सम्मानित। सावन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया गया नाग पंचमी का त्योहार। कहा, नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। चाकू से जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त सिकंदर कुमार को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 8 दिवसीय राष्ट्रीय साहसिक यात्रा के लिए 75 नौजवान बजरंगियों का जत्था हुआ रवाना। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री शगुन श्रीवास्तव ने यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। कहा, प्रति वर्ष आयोजित होने वाली इस यात्रा से रुका हिंदुओं का पलायन। और तपती धूप और उमस के 2 दिनों के बाद बारिश होने से लोगों को मिली राहत। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नदियों की अभी भी स्थिति है सामान्य। 2 दिनों की बारिश होने से कहीं से प्राप्त नहीं हुई है जन धन की हानि की सूचना। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।